साथियों, आज मैं बताऊंगा आपको, अगर आपका ट्रायल है या आपकी भर्ती है, तो भर्ती के आपको डेढ़ महीने एक महीने पहले आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए 1600 मीटर का। तो आज मैं बताऊंगा आपको 1600 मीटर का वर्कआउट। ओके, तो सबसे पहले बताना चाहता हूं दोस्तों, आप मॉर्निंग में जितना हो सके वर्कआउट आप करिए मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में आपको 5 किलोमीटर रनिंग कंटिन्यू करना है, उसका समय अंतराल रहेगा 21 मिनट। आपको एनी हाउ कंडीशन 20 से 21 मिनट के अंतर्गत 5 किलोमीटर रनिंग का पुट्टी करना है। समझ गए बात को? इसके साथ में आपको भीषण गर्मी में हमारा ट्रायल और जो हमको बेनिफिट मिला और हमको जो रिजल्ट मिला वो मिला टायर रनिंग से। समझ रहे बात को? इसी के साथ में आपको भीषण गर्मी में आपको टायर रनिंग करना है। टायर रनिंग करना है आपको 1600 मीटर आपको 8 मिनट में एनी हाउ कंडीशन मारना। समझ रहे बात को? इसी के साथ में आप टायर रनिंग कर रहे हैं, तो टायर रनिंग आप कर रहे हैं तो आपको आपके चेस्ट पे पूरा ध्यान देना है कि आपका चेस्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे बात को? तो आपने रनिंग निकाल ली तो आप चेस्ट से बाहर हो जाएंगे। समझ रहे बात को? तो इसी के साथ में आप खान पीन का ध्यान रखें। समझ रहे बात को? जितना हो जाए और जिस वगैरह आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग का एंगल बनाना है आपको 30 डिग्री का। कितना बनाना है आपको? 30 डिग्री का। और इसके साथ में खान पीन का विशेष ध्यान देना। या वर्कआउट कर रहे हैं या मॉर्निंग वाला वर्कआउट कर रहे हैं आप, तो मॉर्निंग में आपको मैंने बताया आपको 5 किलोमीटर मारना है, उसके साथ में तो रिपीटेशन लगेगा अपना 800 मीटर का रिपीटेशन, साथ में आपको 100 मीटर का 3 सूट मारना। समझ रहे बात को? मॉर्निंग वर्कआउट, शाम को 4 राउंड कंटिन्यू आपको मारना है, हाउ कंडीशन 8 मिनट, उसका समय क्या है 8 मिनट, 30 डिग्री एंगल बनाना है। इसके साथ में आपने रनिंग पास में आ गए, यह वर्कआउट 1 महीने पहले का है। समय रात को, तो 1 महीने में आपको इंडियन आर्मी की तैयारी किस प्रकार करना है। साथ में हाथ पर दर्द होंगे, सिन पेन होगा। समय रात को, और इसी के साथ में आप बोल रहे हैं कि सर नर्वस होना, यार वो मेरे से आगे दौड़ रहा है पीछे हो रहा है, तो आपको आत्मविश्वास बनाए रखना, साथ में धैर्य बनाए रखना, यार ऐसा होगा बिल्कुल हो जाएगा। समय बात को, तो इस वर्कआउट के साथ में हम आपको 100 मीटर 150 मीटर के अंतराल में कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, वो भी आपको करना है। यह वर्कआउट के बाद में 3 सूट लगेगा 100 मीटर का। इसके साथ में हार्ड एक्सरसाइज, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग के पहले आपको वार्म अप करना, वार्म अप के बाद एक्सरसाइज के बाद में आपको स्टेमिना रनिंग करना। ओके, तो आज सबसे पहले मैं आपको चेस्ट मेजरमेंट कर देता हूं, इसके साथ में रनिंग स्टार्ट होगी। यहां वर्कआउट 1600 मीटर के लिए है, तो दोस्तों कम ऑन, इधर आइए, कैमरा थोड़ा दूर हो जाइए, बिल्कुल कस के ये चलो बुलाइए, ये 80 से 90 10 सेंटीमीटर, नॉर्मल, बिल्कुल नहीं देखना सामने को, सामने बिल्कुल ढीला करो, 81 देखिए पूरा फुलाइए, 91 देखिए आप, ये भी 10। ओके दोस्तों, तो वही एंगल बनाना है, रेडियो वाह।
करना स्टार्ट। तो साथियों, हमने बताया आपको किस प्रकार आपको रनिंग करना, इसके साथ में इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप टायर बांध ले, इसके साथ में आप डाइट पर ध्यान दो, समझ बात को। साथ में जोश, जुनून, लगन जो आपके पास है, तो आपको 1600 मीटर में कोई भी माय का लाल बांध कर सकते, चाहे 300 बच्चों के पीछे लग जाए या सबसे आगे लग जाए या बीच में लग जाए, उसके लिए मेहनत, जुनून, लगन और कॉन्फिडेंस। यस सर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, आई होप ऑलरेडी सब्सक्राइब तुमने कर रखा है। जय हिंद, जय भारत।